आवाज़ सुनकर चौंक गए ना दोस्तों। अरे भाई, यहाँ कोई मुर्गा नहीं कट रहा है, ये सिर्फ एक मजाक है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये रेसिपी देखने में बिल्कुल असली चिकन करी की तरह लगती है, पर इसे बनाया मैंने बिल्कुल पूरी तरह से वेजिटेरियन है। जो दिखने में बिल्कुल असली चिकन करी की तरह लगती है और स्वाद बेमिसाल है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दो पल के लिए मेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कमल ककड़ी। अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। कुछ लोग इसे नदरू कहते हैं, कुछ लोग भसीड़ कहते हैं, कुछ लोग भे कहते हैं। पर ख़रीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसकी गांठें दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए, तभी ये अंदर से साफ रहती है, वरना इसमें गंदगी बहुत होती है, क्योंकि ये कमल के फूल की डंडी होती है। इसे कमल लाल भी कहते हैं। और इसे हम दो टुकड़ों में करके पिलर की सहायता से अच्छे से छील लेंगे। और छीलने के बाद अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक डंडी मैंने इसकी अलग कर ली है, किस लिए की है वीडियो में बने रहिएगा। सारी कमल ककड़ियों को हम इसी तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं कमल ककड़ी अंदर से कितनी साफ़ है, बिल्कुल भी मट्टी इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से बंद कमल ककड़ियों को लिया था। और अब कुकर में डालेंगे दो गिलास पानी। एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस इसलिए डालेंगे कि अगर थोड़ी बहुत भी इसमें कोई गंदगी रह गई हो तो वो आसानी से निकल जाती है। अब डाल देंगे इसमें कटी हुई कमल ककड़ी को, और प्रेशर कुकर को कवर करके दो विसिल लगा लेंगे। और दो विसिल होने के बाद कुकर को नॉर्मल करेंगे, और जो एक डंडी मैंने बचा ली थी उसके हम लंबे लंबे टुकड़े काट कर स्टिक बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से हमें लंबी डंडियां बना लेनी होंगी। और इसे भी हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू डालकर अलग से थोड़ा सा उबालेंगे। इसे हमें गलाना नहीं है, बस गंदगी साफ करनी है। लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हम ग्राइंडर जार में रफली चॉप करके डालेंगे। और काटने के बाद कवर करके इसे भी हम थोड़ा मोटा पीसेंगे, बारीक पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। पेस्ट बन चुका है। और अब लिए हैं 2 टमाटर, इसे भी रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे भी ग्राइंड करके इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। टमाटर कट चुके हैं, कवर करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट भी बनकर तैयार है। अब रख देंगे इन्हें साइड पे, और यहाँ पर लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे उबली हुई कमल ककड़ी को, और इसे हम थोड़ा सा पल्स मोड पर चला लेंगे। और चलाने के बाद यहाँ पर डालेंगे इसमें 1 कप उबली हुई चने की दाल। दोनों चीज़ों को अब कोर्सली पीस लेंगे, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। कवर करेंगे और पल्स मोड पर इसे भी हम पीस लेंगे। दोनों चीज़ें पीस चुकी है, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब लिए हैं यहाँ पर 1 कप सोया ग्रेन्यूल्स, इसे भी मैंने 10 मिनट पानी में भिगो दिया था और सारा पानी निचोड़कर अच्छे से निकाल दिया है। ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। सोया ग्रेन्यूल्स को भी डाल देंगे। एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे
स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, ये घर का बना हुआ है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 3 से 4 चम्मच अरारोट या कॉर्न स्टार्च और 2 से 3 चम्मच बेसन। हाथों को करेंगे ऑयल से ग्रीस और सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड कर लेंगे, मिला लेंगे। अगर आपको लगता है कि पेस्ट थोड़ा पतला है तो अरारोट या बेसन कुछ भी डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा ऑयल हाथों पर लगाएंगे और थोड़े थोड़े मिश्रण को हाथों पर रखते जाएंगे, जितने बड़े हमें लेग पीस बनाने हैं। बीच में लगाएंगे इसमें 1 स्टिक कमल ककड़ी की और इसे बिल्कुल हम शेप देंगे मुर्गे की टांगों जैसा, जैसा कि वो ऊपर से थोड़ी मोटी होती है और नीचे से थोड़ी पतली होती है, बिल्कुल वही शेप हमें इसे देना है, आप देख सकती हैं। और इसी तरह से सारे लेग पीसेस को हमें बना लेना होगा। और अगर मिश्रण आपके हाथों में चिपकता है तो थोड़ा सा आप पानी का हाथ भी लगाकर इसको बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरह से सारे लेग पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। लगभग 10 पीस बनकर तैयार हुए हैं। 4 लोगों के लिए ये सब्जी मैं बना रही हूँ, 2 के हिसाब से 8 पीस हुए, पर 1-2 एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है क्योंकि अगर सब्जी किसी को बहुत पसंद आती है और कोई मांगेगा तो हम दे पाएंगे। चलिए अब कर लेते हैं इन्हें फ्राई। ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और 1 छोटी सी गोली डालकर चेक कर लेंगे, ऑयल अच्छे से गरम है। अब हम इन्हें डालेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अच्छे से लेग पीस बाइंड नहीं हुए हैं तो पानी का हाथ लगाकर उसे एक बार फिर से अच्छे से बाइंड कर लें और तब तेल में डालें और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक, सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसे बहुत सावधानी पूर्वक पलटेंगे वरना ये टूट सकते हैं या इनकी स्टिक निकल सकती है, थोड़े नाजुक होते हैं इसलिए इन्हें थोड़ा संभालना ज़रूरी है। तो ये लेग पीस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे लेग पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास सोया ग्रेनुअल्स नहीं है तो उसकी जगह 1 कप सोया चंक्स को भी लेकर पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर और मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच और 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, 4 से 5 तेज़पत्ता डालेंगे। इसमें थोड़े मसाले ज़्यादा पड़ते हैं तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पिसी हुई प्याज को भी डाल देंगे हम और इसे हम धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। पास से आप देख पा रहे होंगे कि प्याज का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना है, थोड़ी दरदरी है, बस इसी तरह हमें इसे पीसना होगा। और कर लेते हैं अब दूसरी तैयारियां। जब तक प्याज भुन रही है लेंगे 1 छोटा ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 3 से 4 टेबल स्पून गरी का लच्छा, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और 15 से 20 कलियां लहसुन की, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 काश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी नहीं होती है पर इसे डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ों को डाल देंगे और इसे भी हम दरदरी पीस लेंगे। और जब मैंने लेग पीस फ्राई किए थे तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज के बारीक लच्छे काटकर उन्हें भी फ्राई कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे इन्हीं मसालों के साथ। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा
और कवर करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये मसाला भी पिस चुका है जो सब्जी की जान है। इस मसाले को ज़रूर डालिएगा वरना सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। और इधर प्याज भी भुन चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। पाउडर चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर को। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, दो टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और दो टीस्पून मीट मसाला। इसे डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्जी का फ्लेवर इसी से आता है और सब्जी बिल्कुल नॉनवेज वाली लगती है। इसमें मीट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ़ एक मसाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे इसमें जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था। और ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को भी अच्छे से निकाल लेंगे और इसी मसाले में डाल देंगे। और धीमी धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम मसाले को भूनेंगे, या मसाला तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ ना होने लगे। ऑयल रिलीज़ हो चुका है, अब इस स्टेज पर डालेंगे इसमें 2 कप पानी। और पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हुए इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे। और बॉयल आने पर इसे एक बार हटाएंगे, सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद फिर इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं करी का कलर कितना शानदार आया है। अब इसमें हम डाल देंगे बनाए हुए लेग पीसेस को और इसे भी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि लेग पीस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और सारे मसालों का फ्लेवर उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं शानदार सब्जी चिकन करी बनकर तैयार है। चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। शानदार सब्जी के लिए शानदार सर्विंग बोल, और इसमें हम डालेंगे अपने वेज चिकन करी को। लेग पीस डालने के बाद ऊपर से थोड़ा करी भी डाल देंगे। आपको पास से दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितनी शानदार बनी है। देखते ही मुंह में पानी भी आ रहा होगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर है पर दोस्तों इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। जब तक आप वेज चिकन करी का आनंद लेंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।